नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज कुछ हेल्दी सा बनाते हैं। तो मैं आज आपके साथ मेथी के लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं या किसी का बच्चा हुआ है, कोई जच्चा है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आइए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए देखिए, मैंने ये 100 ग्राम के करीब गोंद ली है। ये सर्दियों में काफ़ी फायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। और ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं, ये बादाम मैंने काट के लिए हैं, और ये आटा मैंने 150 ग्राम के करीब लिया है। ये हम गुड़ में बनाएंगे, क्योंकि इसको शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं, और गुड़ वैसे ही आयरन से भरपूर होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने 100 ग्राम के करीब मेथी ली है, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये मैंने काजू लिए हैं कुछ काट के, और हमें ज़रूरत के मुताबिक हमें घी लेना है। और आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने मेथी को ग्राइंड करके 3 से 4 घंटे पहले दूध में भिगो दिया था। ये देखिए, हमारी मेथी अच्छी फूल चुकी है। इससे क्या है कि हमारी मेथी का जो टेस्ट आता है, कड़वा नहीं आता। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कड़वापन आता है। तो अब हम इसको घी में डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है और उसको गैस पर रखा है। उसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब घी डालेंगे, और घी को अच्छा गर्म होने देंगे। ये घी हमारा गर्म हो चुका है, और इसमें हम ये मेथी डाल देंगे जो भिगो के रखी हुई है, और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हम इसको भूनेंगे। इस प्रोसीजर में हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये देखिए, आप इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो क्या है कि हमारी मेथी जो है वो तले में लग जाएगी। ये खाने में बहुत ही पौष्टिक होते हैं लड्डू, और टेस्टी भी लगते हैं। आप ज़रूर बनाइए। आप सुबह एक दूध के साथ लीजिए इसको, शाम को लीजिए, तो ये हमारे शरीर में अच्छी गर्मी भी बनाए रखते हैं। और मेथी वैसे ही बड़ी पौष्टिक होती है, जब इसमें गोंद डल जाएगा और ड्राई फ्रूट्स डल जाएंगे तो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बन जाएगी। इसको आप मीडियम गैस पे 4 से 5 मिनट तक भूनिए। आइए आगे मैं आपको भून के दिखाती हूँ। जब हमारी मेथी भून जाएगी तो ये हल्का सा घी छोड़ देगी, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। उस टाइम पे हमारी मेथी तैयार होगी, और उसके बाद हम अगला नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेथी हमारी भुन चुकी है, और ये देखिए, इसने घी भी रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, हमें इतना ही इसको भूनना है। और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने मेथी को भून लिया है, और अब हम इसमें 2 चम्मच घी और डालेंगे। घी आप मान के चलिए आपका 300-350 ग्राम्स तक लगेगा इसमें, क्योंकि लड्डू में घी तो डलता ही है। तो हम पहले इसको गर्म हो जाने देंगे, घी को इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, इसको अच्छा गर्म करना है। और इसमें हम अपनी ये गोंद जो रखी हुई है, ये डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि हमारी गोंद फूल जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। आप कच्चे घी में गोंद मत डालिए, नहीं तो फिर वो फूलेगी नहीं और कड़क सी हो जाएगी। तो घी को अच्छा गर्म हो जाने दीजिए, और तभी आप गोंद डालिए। देखिए, घी हमारा गर्म हो चुका है, और इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके गोंद डाल देंगे। गोंद हमारी अच्छी फूलने लग गई है। आप इसको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह ऊपर नीचे से इसको अच्छा फ्राई कीजिए। और इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए।
ये गोंद हमारी हो चुकी है और अब हम इसमें अपने नट्स डालेंगे। बस इसको भी हम एक से दो मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारा इनमें अच्छा कुरकुरापन आ जाए, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत गर्म है। तो आप गैस को फुल मत कीजिए और इनको एक से दो मिनट तक ही फ्राई कीजिए, नहीं तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और इस टाइम ही इसमें हम काजू डाल देंगे। काजू भी हमारे हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस हमारा अभी बंद है और घी का टेम्परेचर कम हो चुका है और इस टाइम हम इसमें आटा डाल देंगे। अगर आपको घी कम लगे थोड़ा सा तो आप और डाल सकते हैं। देखिए आटे को भूनते हुए में 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा हो चुका है। ये देखिए हमें इतना ही ब्राउन आटा चाहिए, आप इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। और हम इसको उतार के साइड पे रखते हैं और हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। देखिए गैस पे हम एक अलग से पैन रखेंगे और उसमें हम फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे। तो जो मैंने मेथी भून के रखी हुई थी वो उसको मैंने आटे में मिला दिया और उसको हम अच्छी तरह से चला देंगे एक बार, क्योंकि अगर थोड़ी सी हमारी मेथी में कसर है तो ये गरम घी गरम आटे में अच्छी तरह से मिल जाएगी और पक जाएगी। ये देखिए घी हमारा हो चुका है और इस टाइम हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को आप लगातार चलाते हुए हमारा ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। देखिए जिससे भी आपको सहूलियत लगे आप उसी बर्तन से क्रश कर लीजिए, आपको बेलन से सहूलियत लगे तो आप बेलन से कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये मेजरिंग कप से इसको क्रश किया है। आप इसको चलाते रहिए लगातार, नहीं तो क्या है कि ये गुड़ हमारा तली में लग जाएगा। और आप कोशिश करिए कि भारी तले की कढ़ाई में ही ये बनाइए। ये देखिए आप जो थोड़े से बड़े बड़े गुड़ के टुकड़े हैं आप उनको दबाते रहिए स्पैचुला से। ये 2 से 3 मिनट में हमारी चाशनी तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारे गुड़ की चाशनी हो चुकी है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डालेंगे, ये भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप अगर नारियल को ग्रेट करके डालें तो आप भून के डाल सकती हैं। मेरे पास ये नारियल का बुरादा था तो मैंने ऐसे ही डाला, तो इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम इसमें ये गोंद भी डाल देंगे। मेरे घर में इसका खड़ा खड़ा टेस्ट सबको अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए इसको बारीक नहीं किया। आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं। और मैं अपने ये नट्स डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितने सुंदर बने हैं ये। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने देंगे और हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिए,
नहीं तो फिर आपके लड्डू बनेंगे नहीं। आप थोड़ा सा जैसे हाथ में उठाने लायक हो जाए इतने तक ठंडा कीजिए और इसके लड्डू बनाइए। अब ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं और हाथ में उठाने लायक हो रहे हैं, तो आप इसके आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके लड्डू बनाइए। ये देखिए बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए अगर आपको लगे कि आपका मिक्सर थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसमें दूध के दो चार छींटे मार दीजिए, उससे भी ये बढ़िया लड्डू बनेंगे। हमारे मेथी के पौष्टिक लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और उनको तंदुरुस्त रखिए, हेल्दी चीज़ बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, टेक केयर।